तो अभी हमें उतरना था अफ्रीका के टेरांडो पर्वत के ऊपर से, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम आ चुके हैं इस पेड़ के ऊपर से। जैसे तैसे हमने पकड़ बनाई हुई है और अभी हमें नीचे जाना है उस खाई तक। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट जंप अगर हम करेंगे तो हमारे हाथ पांव टूट सकते हैं, इसलिए हमें अपनी पकड़ को काफी मजबूत बनाते हुए यहीं से निकलना पड़ेगा। इस पेड़ों के रास्ते से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे जंगलों में लोग मारे जाते हैं भूख प्यास पानी की वजह से। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे जंगलों से कैसे निकल सकते हैं, इन बीहड़ इलाकों से। सबसे पहले आप लोगों का अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा और अपनी जो पकड़ है ऐसी टहनियों पर पहले इनको हिला लिया जाए थोड़ा सा, उसके बाद इनको पकड़े, क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। और यहाँ पे अफ्रीका के इन जंगलों में माना जाता है कि पहले से सोना जो है समुद्री लुटेरे इन्हीं जंगलों के रास्तों से लेके जाते थे, लेकिन आज वो रास्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका एक टंक आप लोगों को सुन कर सकता है पूरी जिंदगी भर के लिए। ये देखने में जितना शानदार लग रहा है लेकिन उतना ही ज्यादा कंटीला है, देख सकते हैं आप। इसका एक भी कांटा अगर हमारे शरीर में लग जाए तो पूरे दिन भर खुजलाते रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले इन चीजों से थोड़ी सी दूरी बना के हमें अच्छे से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीहड़ इलाकों में सांस हवा पानी सब चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम अपने रास्ते की खोज करते हुए पहुंच चुके हैं जंगलों के कुछ ऐसे अनोखे शहर में, जहाँ पे हमें मिला है ये रामबास है गाइस, इसे आप रामबास कह सकते हैं। और इससे हम किसी जीव को अपना आज रात का शिकार कर सकते हैं, और इसको आराम से तोड़ना पड़ता है क्योंकि इसमें कांटे लगे रहते हैं, और इसका एक कांटा अगर हाथ में चुभ गया तो आप पैरालाइज हो सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको तोड़ दिया है, काफी ज्यादा ताकत लगी इसमें, हमारी ऊर्जा काफी ज्यादा वेस्ट हो चुकी है। ये तो मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा था कि इससे भी आप लोग जान ले सकते हैं, और मेरे हाथ भी कट चुका है, यहाँ पे खून आ चुका है काफी ज्यादा। तो देख सकते हैं जब इन जंगलों में बारिश होती है तो कितने बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, जिससे कि आदमी की मौत हो सकती है अगर उसके ऊपर से इतने बड़े पेड़ गिर जाएं तो। अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रास्तों में तेंदुए का खतरा बना रहता है। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पे लाया हूँ जहाँ से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अक्सर पहाड़ों में लोग इन्हीं से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेमो, ये देख सकते हैं आप। अगर एक बार आपने इसमें चलना शुरू किया तो ये सारे आप पर चिपक जाएंगे, जैसे चिम्बक चिपक जाता है ना कील पे लोहे पे, उसी तरीके से ये हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये चिपक रहे हैं हमें। तो हमें इस रास्ते से जाना नहीं पड़ेगा, हम दूसरा रास्ता यूज करेंगे। जब कभी आप ऐसे जंगलों में फंस जाएं जहां से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो, तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं इस पेड़ में जो ये लटें लगी हुई है, ये देखते हैं ये रस्सी का काम करती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है ये, और इससे हम उतरने में ढलान में यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम इसका यूज कर रहे हैं ढलान में उतरने के लिए। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम ढलान में उतर सकते हैं। इनकी पकड़ देखिए कितनी ज्यादा मजबूत है। तो ऐसी ही मजबूत लकड़ियों के सहारे हम जाल के सहारे उतर के अपने कब्र पे पहुंच चुके हैं। अब हमें तलाश करनी है किसी और रास्ते की, जहाँ पे हमें कहीं गांव की ओर रास्ता मिल जाए। लेकिन यहाँ से कोई भी रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, और जंगल में जब कभी आप फंस जाएं तो सबसे पहले खाने की आपको सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ी में तिमू बोलते हैं इसे, तिमूर, और इसका स्वाद काफी बहुत खट्टा मीठा है। इससे हमारे शरीर को प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कुछ और रख लेता हूँ मैं रास्ते में सफर के लिए। इतने घने जंगल में हमें टमाटर मिल चुके हैं, इससे बढ़िया खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती है। जितने भी पके हैं हम सब तोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इतने सारे टमाटर तोड़ के रास्ते में हमारे रात को खाने के काम आएंगे, उनको हम जेब में रख लेते हैं। और ऐसी
जंगलों में ऐसे इलाकों में हम अपनी रात काट सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे आग लगा के लकड़ी से इस गुफा के अंदर हम अपनी रात गुजार सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जाना है काफी दूर। हमारा हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो चुका है, हमारे पायलट की मौत हो चुकी है। सारी चुनौतियों को पूरा करने के बाद फाइनली हमें गांव का रास्ता मिल चुका है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, देख सकते हैं आप, गाय भैंस भी हैं यहाँ पे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कभी भी हार मत मानिए, जो होगा सही होगा, बस करते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में।